हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। ठीक है, बीसीए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, बीसीए की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक पेपर होता है जो आपका अकाउंटिंग या कॉमर्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये कॉमर्स से रिलेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका बेस यही होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब बीसीए में इसलिए पढ़ा जाता है ताकि आपके अंदर क्या आ जाए, मैनेजमेंट स्किल आ जाए थोड़ी सी। ठीक है, मैनेजमेंट स्किल इससे थोड़ी सी आती है, बाकी लोग वो करते हैं एमबीए। एमबीए क्या होता है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उससे क्या होता है, मैनेजमेंट क्वालिटी सिखाते हैं। ठीक है, कि कैसे आपको लोगों को मैनेज करना है, सिचुएशन को मैनेज करना है, ये सब है। ठीक है, आइए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अब देखिए, मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, अब देखिए, किसी भी चीज का मैनेजमेंट, ठीक है, बिजनेस इंटरप्राइज का मैनेजमेंट जो है ना, वो क्या हो गया है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। ठीक है, अब पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है ना, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हो गया, आपका एस्पेक्ट हो गया है मैनेजमेंट, कि आप कैसे मैनेज करते हैं, क्या मैनेज करना है, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको, पहली चीज। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट करना है। तीसरी चीज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। ठीक है, जो काम लोगों को दिया जा रहा है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, तीसरी चीज। चौथी चीज, सबको बराबर काम मिल रहा। ठीक है, चौथी चीज। पाँचवीं चीज, उनके जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग काम हो। पाँचवीं चीज। छठवीं चीज टाइम मैनेजमेंट। सातवीं चीज रॉ मटेरियल मैनेजमेंट। ये सब मैनेज करने के लिए एक पोस्ट होती है मैनेजर। ठीक है, वो क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। किसको, बिजनेस इंटरप्राइजेस को मैनेज करता है, कि जो क्या करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी फॉर इट्स सर्वाइवल। ठीक है, अब किसी भी बिजनेस को निरंतरता से चलने के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए चलने के लिए क्या करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म चलने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ता है। देखिए लिखा है, नेसेसरी मतलब होता है जरूरी। ठीक है, नेसेसरी है क्या, फॉर इट्स सर्वाइवल। अगर इसमें हम ये जोड़ दें, फॉर इट्स सर्वाइवल, सर्वाइवल इन लॉन्ग टर्म, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है किसी भी बिजनेस को, तो मैनेजमेंट शुड बी गुड और बेस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो सब चीज़ आपकी मैनेज रहेगी, सब चीज़ अच्छे से होगी और सब चीज़ प्रॉपर तरीके से होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए, देयर आर मेनी चैलेंजेस टू मॉडर्न मैनेजमेंट स्टेटेड बिलो। अब इसमें कई चैलेंजेस हैं, ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट में। मॉडर्न मतलब आजकल के युग में। ठीक है, आजकल के युग में जो भी मैनेजमेंट होती है ना, उसको मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट है जो कहाँ दिए गए हैं, आपके स्टेटेड बिलो, बिलो मतलब नीचे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, आइए, पहला क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। अब जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है ना, मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर मतलब आजकल के समय का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है बहुत ज्यादा जटिल। ठीक है, बहुत ज्यादा जटिल है, तो उसको करने के लिए, उसको सही से करने के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा जटिल है तो उसको सही से करने के लिए एक प्रॉपर मैनेजर चाहिए, जो क्या हो, वेल क्वालिफाइड हो, सिचुएशन को अच्छे से समझ सके। ठीक है, दूसरा क्या है, साइज ऑफ द मार्केट। ठीक है, अब देखिए, मार्केट की जो साइज होती है ना, वो घटती बढ़ती रहती है, कैसे, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, दूर तक है, तो आपके लिए जो साइज ऑफ द मार्केट है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम है, कम दूरी तक है, तो साइज ऑफ द मार्केट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए साइज ऑफ द मार्केट ऑल्सो डिपेंड करती है। ठीक है, आइए अगला क्या है, अगला है टैरिफ बैरियर एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशन। ठीक है, अब देखिए टैरिफ क्या होता है, टैरिफ छूट होती है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के समय लोगों को छूट दी जाती है, उसको टैरिफ कहते हैं। ये क्यों दी जाती है, ये इसलिए दी जाती है ताकि अपना प्रोडक्शन
बढ़ाएं लोग, ठीक है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ना देश को भी फायदा होता है। अगर आप बाहर के देश में सामान बेच रहे हैं तो वहां से डॉलर आता है, ठीक है, और आप अगर बाहर के देश से सामान मंगा रहे हैं तो एक नया प्रोडक्ट भी आपके पास आता है। पर वो जो हमारा क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नियम है, ठीक है, या टैरिफ का नियम है, वो भी बहुत क्या है, जटिल है, ठीक है, वो भी बहुत जटिल है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वो क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी रूल जो है ये आम आदमी के भाई समझ में नहीं आता है, इसलिए उसके लिए क्या रखते हैं, प्रॉपर एक नॉलेजेबल पर्सन रखते हैं, ठीक है। अगला क्या है, इफेक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल। अब ट्रेड साइकिल एक होती है, ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, फिर इसको इंडस्ट्री में भेजते हैं, फिर सेमी प्रोडक्ट मिलता है, सेमी फिनिश्ड, ठीक है, फिर इसके बाद फिनिश्ड होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो मार्केट में जाता है, फिर सेल होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, इफेक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल। आखिरी क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल। अब गवर्नमेंट के जो कंट्रोल होते हैं ना, किस पे, हर चीज पे, इंडस्ट्री है या कोई भी प्राइवेट है, चाहे गवर्नमेंट इम्प्लॉई है, चाहे प्राइवेट फर्म है, गवर्नमेंट फर्म है, कोई भी फर्म है, उसको कैसे काम करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। प्राइवेट में क्या होता है, गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, पर कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे बना देती है जिसको सिर्फ गवर्नमेंट ही गवर्न करती है, ठीक है, गवर्न बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट के रूल हो गए। ठीक है, इतनी चीजें सबको क्लियर है, ठीक है, इतनी चीजें सबको क्लियर हैं। क्या क्या बता दिए कि मैनेजमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, इसका मतलब देखिए फिर से बता दे रहे हैं एक बार, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका मैं बिजनेस बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर तक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब बहुत बड़ा है तो आपको स्पेशल, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्पेशल मैनेजीरियल, ठीक है, इस क्या चाहिए, स्पेशल मैनेजीरियल आपको क्वालिटी चाहिए, जो भी व्यक्ति मैनेज करेगा ना उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशल मैनेजीरियल क्वालिटी, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो मैनेज कर सके सब चीजें अच्छे से, ऐसा ना हो कि उसके पास मैनेजीरियल क्वालिटी ना हो और जैसे काम बढ़े वो ना कर पाए, दिक्कत आए, तो उससे आपके क्या होगा, आपको लॉन्ग रन सर्वाइवल में भी दिक्कत आएगी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए क्या करना है, हमें अच्छे मैनेजर की जरूरत पड़ती है जो अच्छे प्रॉपर रूल बनाएगा, तो उससे हमारा क्या होगा, लॉन्ग रन होगा बिजनेस का, ठीक है। साइज ऑफ द मार्केट आप लोग को बता ही दिए, टैरिफ बैरियर एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, ये भी आप लोग को बता ही दिए हैं, फिर से कहिए तो बता दें, ठीक है। आइए अब साइज ऑफ मार्केट वही है कि आपका जैसे मार्केट बड़ा छोटा होगा उस हिसाब से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी मैनेजमेंट करने की, ठीक है, अगर छोटा है तो उसको सही से मैनेज हो जाएगा, बड़ा है तो अच्छे क्वालिटी के मैनेजर चाहिए जो क्या कर सके, इसको फिर से मैनेज कर सके, ठीक है। अब देखिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैरिफ, इम्पोर्ट ड्यूटी होती है एक टैक्स, ठीक है, एक एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, ये भी क्या होती है, ये भी टैक्स होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसके घटने बढ़ने से आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्शन सब पे असर पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका 80% काम एक्सपोर्ट पे होता है, बाहर की दुनिया, बाहर के देशों में काम होता है, ठीक है, तो अगर बाहर के देशों में हो रहा है और अगर आपकी क्या है टैक्स बढ़ जाए, बाहर के देशों में सामान भेजने पर टैक्स ज़्यादा लगने लगे, तो फिर वो बाहर के देशों में सामान नहीं भेजेगा, क्यों नहीं भेजेगा, क्योंकि टैक्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा वो नहीं भेजेगा तो फिर क्या होगा, देश को भी थोड़ा सा नुकसान होगा, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, ताकि क्या हो, इंडस्ट्री हमारी मैनेज रहे, सही से चले, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल बताई दिए हैं आपको, चलिए एक बार फिर बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए
अब इसको दूसरी तरीके से समझते हैं, क्या है ये डिमांड। आइए ट्रेड साइकिल, ठीक है, डिमांड और सप्लाई, बस पूरे मार्केट में यही है, ठीक है। अगर डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम है तो सप्लाई भी कम होगी, ठीक है। और इस यही हो जाएगा, अगर सप्लाई कम होगी किसी चीज की तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। और आप अगर सप्लाई कम करेंगे तो फिर उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, भाई डिमांड कम है तो सप्लाई कम करेंगे, सप्लाई कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, ठीक है, ये भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारी ट्रेड साइकिल की होती है, और गवर्नमेंट कंट्रोल भी आप लोग को बता दिया गया है, ठीक है, कि गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग पूरी चीजें कंट्रोल होती हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, अगला क्या है, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इसको देखते हैं अभी हम लोग। अब बिजनेस में देखिए दो चीजें होती हैं, हमने पहले ही आपको बताया था, पहला क्या होता है इंडस्ट्री, और दूसरा होता है कॉमर्स, ठीक है। पहला क्या होता है इंडस्ट्री, दूसरा होता है कॉमर्स, ठीक है। तो अब ये दो कंपोनेंट है बिजनेस के, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे, पहले इंडस्ट्री के बारे में फिर कॉमर्स के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्या होता है, पहला है इंडस्ट्री, ठीक है, पहला इंडस्ट्री है। हाँ आइए देखिए, हमने आप लोगों से क्या कहा था, इंडस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री का मतलब आइए देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने बताया था कि इंडस्ट्री कॉमर्स ये दो कंपोनेंट है बिजनेस के, पहला इंडस्ट्री है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन कंजर्वेशन और प्रोसेसिंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन कंजर्वेशन और प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट आर डिस्क्राइब्ड एज इंडस्ट्री, ठीक है। देखिए जब कोई प्रोडक्ट बनता है ना रॉ मटेरियल से, तो रॉ मटेरियल को ले आना, उसको रखना, उसको गोडाउन में स्टोर करना, उससे प्रोडक्ट बनाना, ये काम किसका होता है, इंडस्ट्री का। तो वही यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, द प्रोसेस, प्रोसेस मतलब होता है उसका तरीका, एक्सट्रैक्शन रॉ मटेरियल से अपनी जरूरी चीजें एक्सट्रैक्ट करना, प्रोडक्शन उसको प्रोडक्ट करना, कंजर्वेशन उसको रखना, और प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट आर डिस्क्राइब्ड एज इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये सब चीज पूरा प्रोसेस मिलकर क्या होता है, इंडस्ट्री बनाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंडस्ट्री। ठीक है आइए अब क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री आर सोल्ड आइदर फॉर फर्दर ठीक है। देखिए अब जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनते हैं ना वो सेमी फिनिश्ड होते हैं कभी कभी, ठीक है, क्या होते हैं कभी कभी सेमी फिनिश्ड होते हैं, तो सेमी फिनिश्ड गुड्स को हम क्या करते हैं, हमेशा फिनिश्ड करना पड़ता है बेचने से पहले। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री आर सोल्ड आइदर फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इंटू फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, रॉ मटेरियल से हम इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं, सेमी फिनिश्ड, ठीक है, सेमी फिनिश्ड होते हैं, तो उनको हम बेचते हैं, और जितने सेमी फिनिश्ड होते हैं मिलकर क्या बनते हैं, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है।
देखिए इसका एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया कार का, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया कार का? इंजन कहीं और बनती है, बॉडी कहीं और बनती है, टायर कहीं और बनता है, तो ये सब एक तरह से क्या है, सेमी फिनिश्ड, और सबको एक जगह ले आके, ठीक है, सबको एक जगह ले आके फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, असेंबल करना, ठीक है, असेंबल। तो असेंबल जब करते हैं पूरे सेमी फिनिश प्रोडक्ट को मिला के एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, इसका क्या नाम होता है, कार, ठीक है। पर ये सेमी फिनिश प्रोडक्ट अगर अलग अलग यूज हो रहे हैं तो एक तरह से फिनिश प्रोडक्ट है। आपके कार के टायर खराब हो जाए तो आपके लिए कार एक फिनिश प्रोडक्ट है, पर आप नई कार अगर बना रहे हैं या बनवा रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है, आइए देखिए कार, कार क्या है हमारी, फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। कार में यूज होगा टायर, ये कहीं और बनेगा, ठीक है, बॉडी ये कहीं और बनेगी, ठीक है, इंजन ये कहीं और बनेगा, ठीक है, और क्या होता है, साउंड, साउंड सिस्टम, ठीक है, ये कहीं और बनता है। तो ये सब इस कार के लिए क्या है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है। रॉ मटेरियल इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक फॉर्म में है, ठीक है। ये रॉ मटेरियल तब होते जब टायर बनाने के लिए हमें उसका प्रोडक्ट चाहिए होता, रॉ मटेरियल, तो टायर बनाते, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, किसके लिए, कार के लिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये सब फिनिश प्रोडक्ट कब हो जाएंगे, जब आपको सिर्फ टायर खरीदना है, ठीक है, आपको टायर खरीदना है, तो आपके लिए टायर क्या है, फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि आपको कहीं यूज करना है, उसके लिए एक फिनिश प्रोडक्ट चाहिए जो टायर है, ठीक है। पर नया कार असेंबल करने के लिए ये क्या हो जाएगा, सेमी फिनिश प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। हम लोग अगला क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया, इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो देखिए इंडस्ट्री दोस्तों तीन प्रकार की होती है, ठीक है। पहली क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, ये वो इंडस्ट्री होती है, देखिए यहाँ लिखा है, दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज्ड इन सप्लाइंग कमोडिटीज विच आर एक्सट्रैक्टेड और रेज फ्रॉम द अर्थ, सी एंड एयर, ठीक है। अब ये वो इंडस्ट्री होती है जो कहां से हमें एक्सट्रैक्ट करके रॉ मटेरियल देती है, अर्थ से खोद के, जैसे कि कोयले की खदान हो गई, हीरे की खदान हो गई, मिनरल हो गए, ठीक है, अर्थ से, एयर से, ठीक है, हवा से और पानी से। जब हमें इस नेचुरल तरीके से कोई भी प्रोडक्ट मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, किसमें डालते हैं उस इंडस्ट्री को, एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज में से अपनी जरूरत की चीज को निकाल लेना, ठीक है, किसी चीज में से जरूरत की चीज को निकाल लेना। जैसे मान लीजिए स्पीकर होता है, अगर आप स्पीकर तोड़ के मैग्नेट निकाल लिए तो आप क्या कहेंगे, दिस मैग्नेट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पीकर, ये मैग्नेट स्पीकर में से निकला है। तो उसी तरह जब हम जमीन खोद के पानी में से, हवा में से कोई चीज निकालते हैं, ठीक है, वो रॉ मटेरियल की तरह हमारा काम करता है, और वो किसमें आता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। जैसे कि मान लीजिए कोल हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गए, कई मिनरल्स होते हैं, ठीक है, डायमंड हो गया, ईटीसी, ऐसे कई पदार्थ हैं जो हमें जमीन से मिलते हैं, पानी से मिलते हैं या फिर हवा से मिलते हैं, वो किस में जाते हैं, वो इंडस्ट्री सब जाती है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, ठीक है। अगला है जेनेटिक इंडस्ट्री। अब देखिए जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, ये वो इंडस्ट्री होती है, देखिए ये भी इंडस्ट्री आपकी किससे होती है, नेचुरल रिसोर्स से, ठीक है, पर इसमें आपका ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन स्किल का एप्लीकेशन ज्यादा होता है। क्यों, ये आपका कैसा एग्जाम्पल होता है, जैसे आप लोग समझते हैं पशुपालन करना, ठीक है, मछली पालन करना, तो ये सब क्या है, अब पशु पालना या मछली पालना जो हमारा है ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है, ये नहीं कि आज पशु छोटा सा है उसको दो दिन बाद बेच देंगे, नहीं, उसको पूरा पालते हैं, उससे हम जो, जैसे क्या है, आपको बताते हैं गाय लोग पालते हैं उससे दूध का काम करते हैं, ठीक है, तो उस तरह की इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं, किसमें जाती है वो, जेनेटिक में, ठीक है, किसमें जाती है, जेनेटिक में जाती है, ठीक है, जैसे पशुपालन हो गया, ठीक है, मछली पालन जिसको क्या कहते हैं, मत्स्य पालन, ठीक है, ऐसे जो ये सब होते हैं इनको हम किसमें डालते हैं, जेनेटिक में। अब देखिए
पहला था एक्सट्रैक्टिव, ठीक है, दूसरा क्या था जेनेटिक। ये भी हमारा नेचुरल, ये भी नेचुरल, बस इसमें क्या करते हैं जमीन हवा और पानी से हमें सामान मिलता है, इससे हम क्या करते हैं हम पशुपालन या ऐसे कोई भी नेचुरल चीज करते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में लिखते हैं कैटल रेजिंग, फिशिंग, ठीक है, या फिर हो गया आप समझ लीजिए एक तरह से कैटल रेजिंग, फिशिंग और फिर नर्सरी हो जाती है, ठीक है। नर्सरी हम किसको बोलते हैं, जहां पे पेड़ पौधे रखे जाते हैं, ठीक है। तो आपके ये दो तरह के जो फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्री है सॉरी, ये किस में आता है, ये आपका आता है नेचुरल वाले में, ठीक है। एक तीसरी इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री क्या करती है, अब देखिए, अब जैसे कि हमने क्या कहा एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल जमीन से निकालती है, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल को पशु या मछली या कहीं से भी देती है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, कन्वर्ट दोज convert those raw material into finished or semi-finished product, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये आपका काम करती है, जो भी raw material मिलता है ना, ठीक है। अब क्या करता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए इसको रॉ मटेरियल मिल गया, रॉ मटेरियल मिल गया, मान लीजिए डायमंड मिला। अब डायमंड जिस रूप में मिलता है ना, उसको वैसे ही यूज नहीं करते हैं, उसे क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भेजते हैं, वो वहां पे उसको मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, उसका शेप सही करता है। पहली चीज जब शेप सही कर देता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद उसको यूजेबल फॉर्म में लाता है। यूजेबल फॉर्म में मतलब उसको यूज करने के फॉर्म में ले आता है, उसको यूज करने के रूप में ले आता है, ठीक है। क्या चीज, डायमंड को, डायमंड हमको रॉ में मिलता है, उसको पॉलिश करना, शेप देना, अंगूठी बनाना, ये सब किसका काम है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पनीर है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल क्या है, दूध, तो अब दूध मिल जाता है, उससे पनीर बनता है। तो अगर जहां बड़े पैमाने पे बनता है ना, ये सब काम होता है, जैसे अमूल है, ठीक है, तो अमूल आपका कई चीज में काम करता है, ठीक है, जेनेटिक में भी आएगा और आपका किस में आएगा, आपका ये मैन्युफैक्चरिंग में भी आएगा। जेनेटिक में क्यों आएगा, क्योंकि अमूल दूध का भी काम करता है, ठीक है, पशुपालन का भी हो सकता है करता है, अगर नहीं करता है तो लोग जो इसको देते हैं, तो जहां पे देते हैं वो जेनेटिक का काम करेगा, ठीक है, और दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा। जहां ये दूध से कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा तो वो किस में जाएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, ठीक है। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, कितने टाइप्स की, तीन टाइप्स की, पहली, दूसरी और तीसरी।
ठीक है। पहली क्या थी? एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, दूसरी क्या थी? आपकी जेनेटिक। ठीक है, और तीसरी क्या थी? आपकी आपकी एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, और तीसरी थी आपकी मैन्युफैक्चरिंग। ये तीन प्रकार की इंडस्ट्री होती है। ठीक है, हम लोग ने और भी पढ़ा था कि इसमें और क्या होता है, कॉमर्स भी होता है। ठीक है, हम लोग ने बिजनेस कंपोनेंट में क्या पढ़ लिया था, इंडस्ट्री होता है, कॉमर्स भी होता है। कॉमर्स में क्या इंक्लूड होता है? ट्रेड। तो आज हम लोग ने क्या खत्म कर लिया? इंडस्ट्री। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉमर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉमर्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।